क्लास नाइन्थ सब्जेक्ट है आपका केमिस्ट्री, और थर्ड जो है वो आपको कल मैंने जो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि पीरियोडिक टेबल जो है किस तरह अरेंज हुआ उसके बारे में जो है कुछ जो केमिस्ट थे उन्होंने अपने अपने व्यूज़ या कंसेप्ट जो थे वो दिए। तो इसमें सबसे कुछ जो थोड़ा ज़्यादा आप कह लें कि बेहतर था वो था मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, यानी इसको कहा जाता है कि ही वाज द फर्स्ट क्रिएटर ऑफ वर्जन ऑफ पीरियोडिक टेबल, यानी सबसे पहले जो पीरियोडिक टेबल का लफ्ज़ इस्तेमाल करने वाला या उसकी टर्मिनोलॉजी को मुतारफ करवाने वाला वो था मेंडलीव। मेंडलीव ने क्या उसकी कंट्रीब्यूशन थी इन द फील्ड ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ही अरेंज्ड 63 एलिमेंट अकॉर्डिंग टू द एटॉमिक इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी उसने 63 एलिमेंट को अरेंज किया अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, यानी पहला एलिमेंट डिस्कवर किया होगा तो उसका 1 होगा, दूसरे का 2, तीसरे का 3, यानी जैसे जैसे एटॉमिक मासेस जो हैं वो इंक्रीज होते गए तो या एलिमेंट उसको ऐसे मिले जो एक दूसरे से हैवी थे तो उसने उसको जो है वो एक टेबल की सूरत में अरेंज किया। अब टेबल की सूरत में उसने जब अरेंज किया तो उसने सबसे पहले जो अरेंजमेंट की वो हॉरिजॉन्टल की, ठीक, हॉरिजॉन्टल करने से उसको जो चीज़ मिली, जो रोज़ मिली, यानी जो हॉरिजॉन्टल रोज़ उसने बनाई उन हॉरिजॉन्टल रोज़ को उसने पीरियड्स का, ठीक है, और इस तरह जो है एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी अरेंज इन अ वर्टिकल, यानी ऑटोमेटिकली जब उसने कॉलम को रोज़ को उसने तरतीब दिया तो वर्टिकल कॉलम भी साथ ही अरेंज होते गए जिनमें हर एलिमेंट की प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सेम थी, यानी जो भी वर्टिकल कॉलम में एलिमेंट आते उनकी प्रॉपर्टीज़ सेम थी। अब इस तरह इसने अकॉर्डिंग टू इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर ही अरेंज द एलिमेंट विद सिमिलर प्रॉपर्टी इन अ सेम वर्टिकल कॉलम, सो दिस अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट इज कॉल्ड, ही वाज कॉल्ड दिस अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट पीरियोडिक टेबल, उसको इसने पीरियोडिक टेबल का नाम दिया। तो हम कह सकते हैं कि ही वाज द फर्स्ट हु यूज्ड द पीरियोडिक टेबल, यानी टर्म पीरियोडिक टेबल, यानी हाउ द एलिमेंट आर अरेंज इन कह लें कि एक टेबल की शक्ल में। तो सबसे पहले फिर इसके बाद इसने अपने इसी अरेंजमेंट को देखते हुए उसने अपना ला जो है एक कानून दिया जिसको उसने नाम दिया पीरियोडिक टेबल। तो उसकी जो मेन थी वो थी ये वर्डिंग जो उसने दी, उसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, यानी उनका एटॉमिक मासेस, यानी हम किसी भी एलिमेंट को तरतीब देते हैं, यानी उसने कहा कि प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट जो होती हैं उनको पीरियोडिक टेबल में तरतीब देखते वक्त हमें उनका क्या देखना है, उसका पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द पीरियोडिक फंक्शन आप तरतीब से पढ़ेंगे प्रॉपर्टी रेपिटिशन ऑफ, ठीक है, यानी रेपिटिशन का मतलब है कि प्रॉपर्टी जब अरेंज कर रहे होंगे तो वो बार बार रिपीट होंगी, यानी एक अगर वो दो या तीन एलिमेंट को देता है तो उससे अगला एलिमेंट जब वो अरेंजमेंट में लाएगा तो उसकी प्रॉपर्टी जो है वो सिमिलर होंगी। इस चीज़ को हम पीरियोडिसिटी या पीरियोडिक फंक्शन कहते हैं, जिसकी डिटेल जो है वो नेक्स्ट टॉपिक में कि व्हाट इज़ मीन बाय पीरियोडिसिटी। तो ये पीरियोडिसिटी है कि हर एलिमेंट इन द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट इन अ पीरियोडिक टेबल रिवाइज या रिपीट इट्स प्रॉपर्टीज़, ठीक है, और वो प्रॉपर्टी किस के लिहाज से कि जैसे जैसे एटॉमिक मास इंक्रीज होता जाएगा एलिमेंट को तरतीब दिया जाएगा तो उस एटॉमिक मास के हिसाब से
उसकी प्रॉपर्टीज़ भी जो हैं वो भी रिपीट करेंगी जब हम एक रो को या एक कॉलम को ख़त्म करके जब अगले कॉलम पर आएंगे। तो ला ये हुआ कि प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ द एटॉमिक मैसेज ऑफ द एलिमेंट। अब ये बात तो उसने कह दी, लेकिन जैसे जैसे रिसर्च आगे बढ़ती गई और डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट होती गई, तो मेंडलीव के जो टेबल था वो कुछ जो है उसमें उसके कुछ जो नकायस थे या उसके डिमेरिट्स थे जो उसके उस बात पर पूरा नहीं उड़ते थे, ठीक है, उसको पॉइंट आउट किया गया। तो वो कहलाते हैं डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव लॉ। ये जो है बार बार इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी ये इम्पोर्टेंट है, यानी ये बार बार रिपीट होता है बोर्ड में। अब इसके डिमेरिट क्या थे, यानी ऑन विच रीजंस ऑन द बेसिस ऑफ दैट हिस पीरियोडिक लॉ इज़ अ जो है उसको जो है वो रिजेक्टेड किया गया या नज़रअंदाज किया गया। क्या था जी वो, उसकी दो रीज़न थी कि ही वाज फेल्ड, वो नाकाम हो गया किसको एक्सप्लेन करने में, टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन अ पीरियोडिक टेबल। जब एक से ज़्यादा यानी एक एलिमेंट के एक से ज़्यादा एटम जो थे वो क्या हुए, उनके एटॉमिक मासेस जो हैं वो डिफरेंट हुए, जैसे कि मैंने आपको आइसोटोप के बारे में बताया था कि दो एलिमेंट सेम ही होता है, बस उसके एटम जो हैं वो क्या होते हैं, एटॉमिक मासेस जो होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। यानी द एटम ऑफ द एलिमेंट विच हैव अ सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मासेस। तो फिर जब एक ही एलिमेंट के डिफरेंट मासेस जो हैं वो मार्ज वजूद में आए, यानी कि वो डिस्कवर हुए, जैसे हाइड्रोजन के आइसोटोप 3 थे, तो हाइड्रोजन को अगर फर्स्ट ग्रुप में रखा जाता है तो उसकी वो वजाहत ना दे सका कि एक हाइड्रोजन को नहीं बल्कि उसके 3 आइसोटोप हैं, उसको कैसे जो है वो अरेंज किया जाए। तो ही वाज फेल टू एक्सप्लेन द पोजीशन ऑफ आइसोटोप्स इन अ पीरियोडिक टेबल। इसके अलावा इसका जो मेन ड्रॉबैक था या डिमेरिट था वो था रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस एलिमेंट शो, यानी जब उसने एक जो तरतीब दी एलिमेंट में उसकी तरतीब जो थी उसमें गलती पाई गई। उसकी वजह यह थी कि द एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट वर नॉट बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल, यानी जो एलिमेंट की अरेंजमेंट थी उसकी बेसिस जो है बुनियाद जो है वो एटॉमिक मास नहीं था, क्योंकि एटॉमिक मास को अगर बेस बना के पीरियोडिक टेबल को जो है वो क्या दिया जाता, अरेंज किया जाता, तो उसका ऑर्डर जो था वो ठीक तरह से नहीं आ रहा था। यानी एटॉमिक जो मेंडलीव था उसने अपना फोकस जो है एलिमेंट को अरेंज देने का वो एटॉमिक मैसेज ही रखा एलिमेंट का, लेकिन कुछ एलिमेंट की डिस्कवरी से जो है वो ये साबित हुआ कि एटॉमिक मास जो है वो बेसिस नहीं है, बुनियाद नहीं है कि एलिमेंट को अकॉर्डिंग टू एटॉमिक मास से जो है वो अरेंजमेंट दिया जाए। बाद में ये साबित हुआ कि जो है जो आप मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ेंगे कि एलिमेंट वर अरेंज इन द ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर, यानी एलिमेंट जो आज का पीरियोडिक टेबल है उसको अरेंजमेंट जो दी गई है वो कि एलिमेंट के एटॉमिक नंबर पे दी गई है, ना कि एटॉमिक मासेस पे। सो रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस शो दैट एटॉमिक मासेस ऑफ एलिमेंट वर नॉट बेसिस ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ द एलिमेंट्स इन अ पीरियोडिक टेबल। दिस इज ऑल अबाउट द मेंडलीव।